और चलिए जयपुर में ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे रुक करते हैं प्रेस वार्ता का। आप देख रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, ओम माथुर मौजूद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीजेपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जयपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। राजेंद्र राठौर भी यहां पर मौजूद हैं, उपनेता प्रतिपक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, ओम माथुर की मौजूदगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हो जाएगी, मीडिया से मुखातिब होंगे बीजेपी के प्रदेश के दिग्गज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया प्रेस से मुखातिब होंगे, संबोधित करेंगे। राजेंद्र राठौर, ओम माथुर भी मौजूद हैं। करौली हिंसा को लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी आज कर रही है, एक बड़ा मुद्दा है करौली हिंसा का। ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से मुखातिब होते हुए भी उन्होंने कहा था, करौली हिंसा को लेकर ही बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मौजूदगी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, ओम माथुर, राजेंद्र राठौर की है। अभी गवर्नर साहब से मुलाकात की बात तो उनसे मिलने के बाद आपको ब्रीफ करेंगे। अभी तात्कालिक मुद्दा है कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के खिलाफ जो मसला था उसमें जिला न्यायालय ने उनको दोषमुक्त कर दिया है। ये इस बात से साबित हो रहा है कि किस तरीके से राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार बीजेपी के जितने निकाय और पंचायती राज संस्थाओं पर चुने हुए जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ विद्वेष की और प्रतिशोध की कार्रवाई करती है, और न्यायालय से निर्णय के बाद में उनको दोषमुक्त करने के बाद ये पूरे तरीके से साबित हो गया कि पूरे तरीके से प्रायोजित था और उस पर कांग्रेस के संरक्षण में ये सारा काम हुआ। पूरी मामलों को प्लॉट किया गया और उसमें जिस तरीके से बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई, ये कांग्रेस के प्रतिशोध की राजनीति का निकृष्टतम उदाहरण है। और इसलिए प्रदेश के अनेक हिस्सों में भी, वहाँ जहाँ हमारे पंचायत समिति के प्रधान हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरीके से वो प्रतिशोध की कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो आज न्याय मिला है, मैं न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान भी करता हूँ और जनता ने इस चीज़ को नज़दीक से देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि अब प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी की लंबी चलेगी नहीं। अभी गवर्नर के पास जा रहे हैं, बात क्या करें, किन-किन मुद्दों पर आप चर्चा करने जा रहे हैं गवर्नर? मूल रूप से करौली की जो हिंसा थी उसने पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, एक चर्चा और बहस छिड़ी है। जिस तरीके से करौली की घटना में साक्ष्य सामने आए हैं उसमें सरकार की बदनीयति, सरकार का संरक्षण और पुलिस की लापरवाही, ये सब उजागर हो गई हैं। इसलिए हमारा विपक्ष के नाते भी और एक सामाजिक व्यक्ति के नाते भी धर्म है कि हम बहुसंख्यक लोगों को इस तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित होने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने उनकी सुधबुद्ध भी ली है। दूसरा पक्ष है कि एक तरफ तो PFI को हिजाब के मसले में यही सरकार अनुमति देती है रैली निकालने की और रामनवमी की रैलियों पर प्रतिबंध करते हैं। 9 जिलों से भी ज़्यादा 144 को इम्पोज करना, ये अपने आप में सरकार की एक तरीके की तुष्टिकरण की नीति को प्रमाणित करता है। तो दूसरा पक्ष ये है, इसको सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए 107, 116 के जो नोटिस दिए जिसके कारण पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। तीसरा पक्ष ये है कि हमारे उदयपुर संभाग में एक महीने में 3 कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हुई। हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अभी पिछले दिनों निम्बाड़ा विधानसभा के क्षेत्र में गए, 10,000 से भी ज़्यादा लोग उस हमारे जो कार्यकर्ता था उसकी शव यात्रा में थे, उन्होंने एक आक्रोश जताया। लेकिन उसकी हत्या से लेकर तमाम जो बाकी 2 कार्यकर्ता थे इसी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उनकी हत्याएं हुई, सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के लोगों का संरक्षण उनको था। तो प्रदेश में जो राजनीतिक प्रताड़ना का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको भी हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाएंगे। हमारा प्रतिनिधिमंडल अभी मिलेगा और आपको बाकी विस्तार से जानकारी उसके बाद। आपकी शोभा यात्रा सभी लोगों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने, उनमें सबसे खास
समाजवादी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कुछ वर्षा की थी, उनमें भी आपके जो अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री है उनकी फोटो मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे कुछ वर्षा। अच्छी बात है, क्योंकि यदि ये तो कांग्रेस का नजरिया है तुष्टीकरण से देखने का और इस तरीके से जाति पंथ मजहब और भाषा में बांटने का। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो व्यवहारिक रूप से उन्होंने जितनी नीतियाँ लागू की वो किसी धर्म और पंथ और मजहब के लिए नहीं थी, देश के समग्र लोगों के लिए थी। ये तो कांग्रेस ने पिछले सालों में 70 साल की राजनीति में जो जाति पंथ और वोट बैंक की राजनीति की उसी का नतीजा था। तो ये पक्ष है कि भाजपा की नीतियों से जो समुदाय हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है उससे इनकार नहीं कर सकता, इसलिए रामनवमी का जुलूस निकलता है और मुस्लिम उस पर पुष्प वर्षा करता है तो ये अपवाद नहीं है, ये उनकी देश के प्रति राष्ट्रवाद के प्रति नीतियों के प्रति आसक्ति है। धन्यवाद। तो करौली हिंसा को लेकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि उन्होंने कहा कि गवर्नर को हम ज्ञापन सौंपेंगे उसके बाद भी उसे लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन जयपुर मुख्यालय में ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। अध्यक्ष सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर, ओम माथुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, जहां सौम्या गुर्जर के आरोप मुक्त होने की भी उन्होंने बात कही।